आज कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ की जानिब से सर्वे नंबर 17 जो 13 एकड़ 15 गुंटे है जिसमें कमोबेश 6 वक्फ के इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें आज ये जो इंस्टीट्यूशन पर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ ने बोर्ड इम्पोज किया है उसका इहाता कमोबेश 3.5 एकड़ के करीब है जो गुलबर्गा शहर की एक प्राइम प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट की खबरें मिली थी, इससे पहले भी बहुत से अटेम्प्ट इंक्रोचमेंट के हुए हैं। मैं फिर से एक बार आप तमाम के जरिए गुलबर्गा के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पर भी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर इंक्रोचमेंट आप देख रहे हैं खामोशी इख्तियार मत कीजिए, इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाइए, इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई हम करने की कोशिश करेंगे। गुलबर्गा शहर के अंदर 27,000 एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टी है जिसमें 17,000 एकड़ इंक्रोच हो चुके हैं। बिल्कुल बीदर ही की तरह गुलबर्गा भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वक्फ की जायदादों में हुई है। तो यहाँ पर भी एक वक्फ अदालत का हम लोगों ने डिमांड किया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले महीने अगस्त में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक गुलबर्गा के अंदर लोक अदालत लगेगी और गुलबर्गा की पब्लिक को अपने ग्रीवेंसेस मिनिस्टर तक पहुँचाने का मौका दिया जाएगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ की जानिब से सर्वे नंबर 17 जो 13 एकड़ 15 गुंटे है जिसमें कमोबेश 6 वक्फ के इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें आज ये जो इंस्टीट्यूशन पर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ ने बोर्ड इम्पोज किया है उसका इहाता कमोबेश 3.5 एकड़ के करीब है जो गुलबर्गा शहर की एक प्राइम प्रॉपर्टी है। और ये कब्रिस्तान का इहाता है जिसमें मनियार और चौधरी फैमिली इसके ग्रेव्स बहुत पहले से मदफन होते आ रहे हैं और उनकी फैमिली के लिए डेडिकेटेड कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट की खबरें मिली थी, इससे पहले भी बहुत से अटेम्प्ट इंक्रोचमेंट के हुए हैं और इस जगह से इस शहर के अमन अमान को ख़राब करने की साजिशें भी बहुत हो चुकी हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ पर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की जानिब से ओनरशिप का बोर्ड इम्पोज किया जाए। और यहाँ पर आने के बाद ये पता चला है कि तकरीबन 17 से 18 इलीगल स्ट्रक्चर्स इस वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर बनाए गए हैं जो डेलाइट रॉबरी वक्फ बोर्ड के साथ कह सकते हैं। मैंने वक्फ ऑफिसर को डायरेक्शन दिया है कि इमीडिएट इन तमाम के डिटेल्स लेकर विद इन 1 मंथ इनको नोटिसेस इशू करना है और जल्द से जल्द ये प्रॉपर्टीज को खाली कराकर फिर से एक मरतबा कब्रिस्तान के तहत वापस लेने का काम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ करेगी। मैं फिर से एक बार आप तमाम के जरिए गुलबर्गा के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पर भी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर इंक्रोचमेंट आप देख रहे हैं खामोशी इख्तियार मत कीजिए, इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाइए, इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई हम करने की कोशिश करेंगे। अभी तक गुलबर्गा शहर में कई ऐसे वक्फ की प्रॉपर्टीज है, चाहे वो दरगाह कई सारे जगह वक्फ की प्रॉपर्टी है जहाँ पर अभी तक कुछ एक्शन लिया गया, तो ये जो वर्क मेथड क्या है बोर्ड का? देखिए वक्फ की प्रॉपर्टीज यहाँ भी है, यहाँ पे हमारे पास गुलबर्गा शहर के अंदर 27,000 एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टी है जिसमें 17,000 एकड़ इंक्रोच हो चुके हैं। किस तरह से इंक्रोच हुआ इस पर अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ी बुक लिखी जा सकती है जो ऑलरेडी अनवर मानपड़े रिपोर्ट की हैसियत से कैबिनेट में प्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसमें 90% इंक्रोचमेंट गुलबर्गा के ताल्लुक से बयान किया गया है। पहले क्या हुआ कैसे हुआ उस पर बात करने से अच्छा मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि हम आगे क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। मैं पहले के भी वीडियोज़ के जरिए आवाम से कह चुका हूँ जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट देख रहे हैं आप हम तक इंफॉर्मेशन पहुँचाइए, सेक्शन 54 के तहत सेक्शन 52 के तहत वक्फ के कानून को इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉपर्टी पे केसेस फाइल करके लीगल बैटल को फाइट करके इंशाल्लाह उस प्रॉपर्टी को वापस लेने का काम करेंगे। गुलबर्गा शहर में ना सिर्फ गुलबर्गा के बाहर बल्कि रिंग रोड जैसे प्राइम प्रॉपर्टीज को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे पीरियड के अंदर पोजेशन में लिया है, ना उम्मीदी का कोई सवाल नहीं, इंशाल्लाह लीगल बैटल करेंगे और प्रॉपर्टीज को वापस लेने का काम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। बोर्ड में ब्लूप्रिंट होगा और बोर्ड को सभी जगह पर जहां-जहां भी वक्फ प्रॉपर्टी है और गुलबर्गा के अंदर कमोबेश गजीट नोटिफाइड 7,000 इंस्टीट्यूशन है, एक गली में अगर घुसेंगे तो 4 मस्जिदें वक्फ के तहत गजीट नोटिफाइड प्रॉपर्टीज हैं। मेरे को गुलबर्गा के अंदर काम करने के लिए 17 से 18 लोगों का अमला चाहिए। गुलबर्गा में वक्फ बोर्ड ऑफिस के अंदर काम सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के जरिए हो रहा है, वो 4 लोगों को लेकर आप सेल्फ ब्लूप्रिंट बनाकर अगर काम करने के लिए जाएंगे तो ये होने वाली बात नहीं है, पॉसिबल बात नहीं है। वजीर औकाफ को ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि गुलबर्गा एक बहुत बड़ा कर्नाटका का सब में बड़ा वक्फ का जायदाद रखने वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कम से कम 12 लोगों का अमला काम करने के लिए चाहिए। अगर वैसा अमला दिया गया तो कम एक 4-5 लोगों को डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टीज को वापस लेने के लिए इंशाल्लाह हम काम लगा सकते हैं। सब में ताज्जुब की बात यह है कि गुलबर्गा में कई 100 केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर पेंडिंग है,
तहसील ऑफिस में पेंडिंग है, एसीओ ऑफिस में पेंडिंग है, डिप्टी कमिश्नर के पास पेंडिंग है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास लीगल एडवाइजर भी अभी तक मौजूद नहीं है, जिसका रिप्रेजेंटेशन कई मरतबा दिया जा चुका है। आपके जरिए भी मैं वजीर औकाफ से गुजारिश करता हूँ कि गुलबर्गा के ऊपर खास तवज्जो दीजिए, आप एक लीगल असिस्टेंट और मैं जो स्टाफ कह रहा हूँ स्टाफ दीजिए, इंशाल्लाह गुलबर्गा से मेरे रहते इंशाल्लाह 5,000 acre प्रॉपर्टी को ब्लूप्रिंट हमारे पास रेडी है, हम वापस लेने का काम कर सकते हैं। इसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव का भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन इस मामले में खासकर वक्फ बोर्ड के मामले में लोकल रिप्रेजेंटेटिव आवाज नहीं उठाते। मोहतरमा करीस फातिमा साहिबा और उनके अलावा दीगर MLAs का कोऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस मामलात के अंदर हमें रहा है। मैं जहां तक मैं पर्सनली जिन MLAs से मैंने कम्युनिकेट किया है और उनसे रिप्रेजेंटेशन हासिल करने की कोशिश की है, पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन मिला है। चूंकि मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा एक MLA के साथ साथ ऑनरेबल मेंबर भी हैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की, उनके कोऑपरेशन के साथ ये तमाम काम हो रहे हैं, इंशाल्लाह कोऑपरेशन उनका हमारे साथ है। वक्फ अदालत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कॉन्सेप्ट आली जनाब जमीर अहमद खान साहब की तरफ से वक्फ अदालत का एक शुरू हुआ, जिसका दूसरा हिस्सा बीदर में हम लोगों ने देखा। वहां पर कई इंक्रोचमेंट के केसेस को जमीर अहमद खान साहब ने ना सिर्फ लिया है, बल्कि दूसरे दिन डिप्टी कमिश्नर, जिला पंचायत के CEO और ऑल IAS ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के साथ मीटिंग करके 70% इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश उन्होंने सेकेंड डे की है। हमने उनसे मुतालबा किया है, बिल्कुल बीदर ही की तरह गुलबर्गा भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे वक्फ की जायदादों में लूटमाट हुई है, तो यहां पर भी एक वक्फ अदालत का हम लोगों ने डिमांड किया है। इंशाल्लाह अगले महीने हमें उम्मीद है कि आने वाले महीने अगस्त में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक गुलबर्गा के अंदर लोक अदालत लगेगी और गुलबर्गा की पब्लिक को अपने ग्रेवेंसेस मिनिस्टर तक पहुंचाने का मौका दिया जाएगा। देखिए तो टोटल 177 टोकन वहां पे दिए गए थे, ऑनरेबल मिनिस्टर ने सिर्फ इंक्रोचमेंट के ऊपर वहां पर सामने से लोगों के ग्रेवियंस लिए हैं, और जो कमेटीज से रिलेटेड रहने दीजिए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के रहने दीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवलीज के रहने दीजिए, उन्होंने वक्फ ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिए थे। और ये 12/7/2024 की परसों जो मीटिंग हुई उसमें बीदर के जो कंसर्न मिनिस्टर के सामने आए थे तमाम ऑर्डर्स को इशू कर दिया गया। एक खाना मस्जिद बन रही है, उसका कुछ ये हो रहा। एक एनक्रोचमेंट के ऊपर जोर दे रहा है। एक खाना मस्जिद के ताल्लुक से आप लोगों जो दो फरीकों के बीच में वहां पर तजाद है, और दोनों फरीकों की एक रिपोर्ट भी रेडी करके ऑनरेबल बोर्ड को प्रोड्यूस की जा चुकी है। यहाँ पर एक चीज को समझने की आपकी जरूरत है कि ना चेयरमैन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ना वक्फ ऑफिसर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोर्ड, हम बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने इंक्वायरी कंडक्ट की, रिपोर्ट ऑलरेडी बोर्ड को भेज दी जा चुकी है। अब नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह एखाना मस्जिद के ताल्लुक से भी और इसके अलावा गुलबर्गा के कई इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक से भी फैसला लिया जाने वाला है। वक्फ की जमीन को कमर्शियल बिजनेस के लिए दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वक्फ लीज रूल 2017 का इम्प्लीमेंटेशन है। अगर कोई वक्फ की जमीन को अगर लीज पे देना है तो वक्फ लीज रूल 2017 के तहत देना है। अगर 3,000 के ऊपर किराया वहां से आने की उम्मीद है तो पब्लिक नोटिफिकेशन देना है। पब्लिक में सब में ज्यादा किराए का जो वहां पे बोली लगाएंगे उनको देने का प्रोविजन है। अगर वक्फ ऑफिसर को दे रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है, अगर कोई ऐसे हैं तो ये सीधा सीधा आप मेरे पास लाइए, इंशाल्लाह एक्शन लेने का काम हम लोग करेंगे। जैसा कि IPC के तहत अगर आप उसके डायरी के अंदर अगर आप कमर्शियल करते हैं तो जाहिर सी बात है गैर कानूनी, क्या सभी जगहों पर एक्शन लिया जाए? बिल्कुल, देखिए गुलबर्गा शहर के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे के कई इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे के ताल्लुक से आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के लोग बोलेंगे, मैं उस पर बोलना मुनासिब नहीं समझता। जहां तक वक्फ इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक से बात है इंशाल्लाह हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा।